असाइनमेंट के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये पूरा असाइनमेंट एलिमिनेशन रिएक्शन को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस असाइनमेंट में आपको E1, E2, E1CB जैसी रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करें कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस असाइनमेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज पार्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम बट नॉट इन बेसिक मीडियम। आप जानते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनता है। तो आप यहां मुझे थोड़ा सा मेंशन करें कि ओएच ग्रुप अपने आप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, यस और नो? अगर आप यहां पर देखेंगे ओएच अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल नहीं इलेक्ट्रोफाइल। और ओएच माइनस भी अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेंगे, यहां रिपेल करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो यहां पर जो बातें ध्यान में रखने की है आपको कि क्या ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो ये रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यही चीज H प्लस के साथ की जाती है तो H प्लस यहां अटैक करता आराम से, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्डिंग होगी और यहां पर आपको एक ग्रुप मिलेगा जो कि ये प्लस होगा, तो यहां आराम से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना? H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है लेकिन OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए यहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी OH के साथ। आप सोचो कि OH इस तरह से चला जाए और ये निकल जाए, तो ऐसा कोई देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ना तो अल्कोहल OH के साथ सब्स्टिट्यूशन देगा ना एलिमिनेशन देगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये बड़े प्यार से ये वाली रिएक्शन देगा जिसमें H2O एलिमिनेट होगा और फाइनली आपको कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा, और जो बाद में इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को यहां शिफ्ट करके किस में बना लेगा, एल्कीन में। तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में नहीं देता, क्योंकि बेसिक मीडियम में OH माइनस होता है और OH माइनस अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है और अल्कोहल भी अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है, और दो इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। सही है, करें आप इसको। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, 1 डिग्री अल्कोहल आर पुअर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 एल्कीन, एक्सप्लेन। ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल है, पुअर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 एल्कीन, और आप चाहते हो कि इससे 1 एल्कीन बन जाए, इस तरह का कुछ बन जाए, तो क्या ये पुअर स्टार्टिंग रहेगा? जी कैसे आप बोलोगे? देखिए, इस अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करने में हमारे पास इंटरमीडिएट क्या रहता है, कार्बोकेटायन। क्या 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है? नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होता है? 3 डिग्री। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायन यानी इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप इसको बिल्कुल लिख लीजिए कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है एंड कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आपके पास कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, इसलिए आपको यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी थोड़ी कम दिखाई देगी उम्मीद से। तो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, फटाफट देखते जाएं। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। तो आप प्रेडिक्ट करिए कि सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो आप सिंपल सा, जो 3 डिग्री होगा वो सबसे ज्यादा अच्छी रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो इस हिसाब से आपके पास ये कौन सा अल्कोहल है, यहां पर ये कार्बन पे दो, बिल्कुल यहां पर आपको बस यही देखना है। तो मुझे सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है इसके अंदर, A3 के अंदर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उस पर वर्क करना है और एल्कीन भी बनानी है, मेजर प्रोडक्ट भी बनाना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कार्बन C, इस पर 2 C जुड़े हुए हैं और एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैंने OH जोड़ दिया, और फिर उसके बाद एक कार्बन यहां पर है, फिर एक कार्बन यहां पर है, तो ये हमारे पास हो रहा है। कुल मिला के हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन आपको बनानी है, तो आपको ये इस तरह से एल्कीन बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। दूसरे के अंदर अब आपके पास 1, 2, 3, 4, अब देखिए 5 कार्बन है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब 5 कार्बन है, मैं यही बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, और 5वें कार्बन में OH है, यस और नो? तो आपका एल्कीन वाला कौन सा पार्ट बनेगा, आप इसको हटाएंगे और यहां से बॉन्ड यहां बनाएंगे, ठीक है, यहाँ सिस और ट्रांस दोनों एल्कीन देखने को मिल सकती है आपको। यहाँ पर इस कार्बन पे कितने
कितने कार्बन है? दो, और ये कार्बन है, इसी पे OH है, और फिर ये C C, तो यहां आपको जो एल्कीन दिखाई देगी वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। यहां ये कार्बन है, इस पे तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, तो यहां जो आपको एल्कीन दिखाई देगी, पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर ये कार्बोकेटायन प्लस बनेगा और उसके ऊपर फिर अलावा कोई कार्बन नहीं है, तो वन टू शिफ्टिंग होगी, यानी ये वन टू शिफ्टिंग इस तरह से देखने को मिलेगी, ये मिथाइल इस तरफ जाएगा और यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, और उसके बाद आपको ये वाली एल्कीन मिलेगी, यानी कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो यही रहेंगे, लेकिन वन टू शिफ्टिंग का भी ध्यान रखें, और वन टू शिफ्टिंग जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो देखने को मिलती है। तो ये आपके पास आंसर रहे इन सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, पहले बनाइए वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज हीटेड इन अल्कोहल फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, थ्री प्रोडक्ट रिजल्ट, वन ईथर एंड टू एल्कीन्स, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। कुल मिला के इसमें प्रोडक्ट बताना है और मैकेनिज्म अगर आपको बतानी है तो बता दीजिएगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे यहाँ पर किसके साथ मैं हीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर एथेनॉल यानी C2H5OH। तो देखिएगा यहाँ पर C2H5OH एक न्यूक्लियोफाइल भी है और एक तरह से बेस का काम भी कर सकता है, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो SN1 रिएक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले तो ये कार्बोकेटायन बनाएगा, और अगर ये एलिमिनेशन का काम करेगा तो E1 देखने को मिलेगी। तो SN1 में आपके पास कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन तो सब जगह बनेगा, इंटरमीडिएट ये कार्बोकेटायन बना CH3 के साथ यहाँ पर, तो अब यहाँ पर या तो ये क्या बनाएगा CH3 के साथ SN1 रिएक्शन देके O C2H5 बनाएगा, या एलिमिनेशन देगा तो ये दो रिएक्शन देगा, या तो ये एल्कीन यहाँ बनाएगा या ये एल्कीन यहाँ देखने को मिलेगी, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन प्रोडक्ट है, ये E1 वाले प्रोडक्ट हैं, ये SN1 वाले प्रोडक्ट हैं, दोनों में ही कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट रहेगा और वो स्टेबल भी है ड्यू टू 3 डिग्री, तो यहाँ पर कोई अलग से कोई दिक्कत नहीं है और वन टू शिफ्टिंग होने के कोई चांसेस हैं भी नहीं। अच्छा नेक्स्ट, गिवन द मेजर प्रोडक्ट, अगर यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है, ये बेस का काम करेगी, तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर? इसके लिए आपके पास CH3 ये वाला बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस रखता है, क्योंकि तीन ET ग्रुप है, तो वो ये वाला हाइड्रोजन देगा, यानी कुल मिला के यहाँ पर यही ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा इस वाले हाइड्रोजन में से एक, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह की रिएक्शन होगी, यानी मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, और इस जगह हम बोल सकते हैं हाफमन प्रोडक्ट मोर स्टेबल मोर जनरेट, और यहाँ पर बोल सकते हैं बाकी सब जगह जहाँ हिस्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता वहां तो हम सेटजेफ प्रोडक्ट को ही मेजर मानते हैं, मानते हैं ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में अंदर तक बैठी रहनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी आ रहा है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड, तो चलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स हमारे पास आने वाले सेक्शन बी। ए हैलाइड विथ फॉर्मूला दिस इज फाउंड टू गिव टू आइसोमर्स एल्कीन दिस दिस ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विद एल्कोहल सजेस्ट द स्ट्रक्चर, तो सजेस्ट इट्स स्ट्रक्चर। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर जब मैं ये रिएक्शन क्वेश्चन देख रहा हूँ तो यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो कौन सी एल्केन ज़्यादा स्टेबल होगी? सजेस्ट जो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये मेरे पास बिल्कुल जो मोर स्टेबल एल्कीन जनरेट इन मोर अमाउंट बाय सेटजेफ रूल, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो हाफमान एल्कीन विच इज लेस स्टेबल बट ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर वो हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है ना। मैं एक स्टेबल बोलना चाह रहा हूँ कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, इस हाइड्रोजन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा, इस पे बहुत ज्यादा रहेगा और खुद भी बहुत ज्यादा रखता है, तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में बोला जाए तो वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वेरी हाई नहीं निकल पाएंगे, तो कौन सा निकालेगा? ये वाला हाइड्रोजन निकाल के यहां एल्कीन बनाने की कोशिश करेगा, जबकि यहां पर ये उस हाइड्रोजन को निकालेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कोई रोल में नहीं आएगा इसके लिए, और ये वो हाइड्रोजन निकालेगा जिससे बनने वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल बने, ज्यादा से ज्यादा बने, तो ऑब्वियसली मेरे पास कौन सी बनेगी? ये वाली एल्कीन बनेगी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आपके पास जो बेस है उस बेस में बल्की ग्रुप है तो आप हाफमान बनाएंगे, और लेस बल्की ग्रुप है इसके अंदर तो सेटजेफ बनाएंगे,
ठीक है, और अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं आप। तो नाउ नेक्स्ट B3, ब्रोमो साइक्लो डेकेन ऑन हीटिंग विद इथेनोइक दिस प्रोड्यूस टू एल्किन्स, राइट द टू प्रोडक्ट्स आल्सो मेंशन द मेजर वन। ब्रोमो साइक्लो डेकेन ऑन हीटिंग विद इथेनोल नोलिक KOH, तो ये डेकेन जो बनेगा ना ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो हमारे पास दो एल्कीन बनेगी, ऑब्वियसली डेकेन आ ही गया, एक ये बन सकती है और एक हमारे पास ये बन सकती है, ठीक है। तो दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमेशा मेरे लिए स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क कर रहा होता है। तो मैं अगर यहां बात करूं तो यहां पर देखिए, यहां दोनों एक तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम अगर यहां पर एल्कीन की बात करें तो ये वाली एल्कीन ट्रांस है, ये ज्यादा स्टेबल रहेगी, और ये सेस है तो ये कम स्टेबल रहेगी, लेस स्टेबल और मोर स्टेबल। और जो ज्यादा स्टेबल होगी, मोर स्टेबल, उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन B4, विच एल्कीन क्लोराइड वुड यील्ड्स फॉलोइंग प्योर एल्कीन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। भाई मेरे को ये एल्काइल क्लोराइड से ये बनाने हैं, ठीक है, थीके? तो इसके लिए कौन सा एल्काइल हैलाइड लूंगा मैं, आप खुद सोचिए कि मेरे को ये वाला एल्कीन बनाना है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर ये वाला बॉन्ड बनाता हटाता हूं, या तो मैं HX यहां लगा दूंगा या उल्टा भी कर सकता हूं, मैं XH यहां पर भी लगा दूंगा, दोनों में यही एल्कीन बनेगी। तो इसी तरह से आप ये पाइप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करके HX यहां लगा दो या इसका उल्टा भी कर दो, तो आपका आंसर वही रहेगा, HX यहां लगा दो, सही है। तो ये अल्काइल हैलाइड होंगे और इसके हर एक के दो दो आंसर होंगे, या तो HX यहां लगा दो या यहां लगा दो, बनने वाली एल्कीन यही है। फिलहाल इसमें तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें अगर आपने यहां लगा दिया X तो ये वाली एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। तो इस जगह तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप उल्टा मत करना, यहां पर भी मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप यही रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, सही रहेगा, यहां चल सकता है आपके, आप HX यहां रखो या यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां, ठीक है। नेक्स्ट B4, अगर हम बात करें B5 की, B5 क्या कर रहा है, क्या कहता है, predict all the alkenes that would be formed by dehalogenation of following alkyl halide with sodium ethanoxides in ethanol and identify the major alkene। बिल्कुल सही है, मैंने आपको कहा भी है, जो ये एल्कोक्साइड है इन एल्कोहल, ये बेस का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का, और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो एल्कीन बनाएगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करके। तो चलिए आप ही बनाइए इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ब्रोमो वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आप ही बताइए इसके अंदर क्या करना है मुझे, ऑब्वियसली यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको, E2, ये आपके पास एनायन बनेगा, यहां एनायन बनेगा और एनायन बनेगा तो ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये बाहर जाएगा और कुल मिला के आपके पास ये रिएक्शन बनेगी। तो ये बहुत इजी है भी यार, क्लियर है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है आपके पास, अब इसको आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला है 2-chloro-2-methyl-butane, क्या बोला है, 2-chloro-2-methyl-butane, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन आ गया, 2-chloro-2-methyl-butane। अब बताइए कि अगर यहां पर आपने ले लिया तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, यहां निकलेगा, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड, तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो कुल मिला के फिर ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, तो ये आपके पास एल्कीन कुछ इस तरह की दिखाई देगी इसके अंदर, सही है। फिर नेक्स्ट 2-2-3-trimethyl-3-bromopentane, तो पहले पेंटेन बनाइए आप, ये पेंटेन बना दिया, फिर आप क्या करें, 2-2-3-trimethyl, 2-2-3-trimethyl, ये ट्राई इथाइल है, मिथाइल भी नहीं है, इथाइल, ये इथाइल हो गया, 3-bromo, ये 3-bromo हो गया,
पेंटेन, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब बताइए यहां पर हमारे पास कौन सी एल्कीन बनेगी? अरे दिक्कत क्या आ रही है, यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन आपको यही देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीजें दिक्कत पैदा कर रही है, तो यही हमारे लिए, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये बाहर जाएगा, तो कुल मिला के ये एल्कीन हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ आपके पास एल्कीन इस तरफ दिखाई देगी, यानी कुल मिला के ये एल्कीन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आ रही है बात समझ में? करें इसको। अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ईवन सीबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर एनी रिएक्शन शो ईवन सीबी मैकेनिज्म? कितना अजीब सा, ये तो अपन ईवन सीबी अलग से ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट आपको दिमाग में रहेगा जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ लिविंग ग्रुप है, तो ये वीक होना चाहिए, वीक लिविंग ग्रुप, वीक लिविंग ग्रुप, बस और कुछ भी नहीं, वीक लिविंग ग्रुप, ये हमारी मेन कंडीशन है। तो ये दो स्टेप में हो जाती है, पहली वाली फास्ट होती है, सेकंड वाली स्लो होती है, ठीक है? तो यहां हमारे पास इवन सीबी के लिए यही चाहिए कि ये लिविंग ग्रुप थोड़ा वीक हो, एसेंशियल कंडीशन में। इफ इथेनॉल कंटेनिंग ईटीओडी इज यूज एज सॉल्वेंट देन ड्यूटेरियम एक्सचेंज टेक प्लेस इन इवन सीबी। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। वाई, देखिए ध्यान से इसको समझते हैं ऊपर सेकेंड पॉइंट में। मान लीजिए यही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको ऐसे समझ में आएगा आपको। देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास एक रिएक्शन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां आपके पास लिविंग ग्रुप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो भी आपके पास आ रहा है यहां पर एल, ये माइनस जनरेट होगा, यहां एल होगा, प्लस एच प्लस अलग हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि ये फास्ट है तो ये रिवर्सिबल, जितनी भी फास्ट रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल भी होती है, तो यहां ये रिवर्सिबल होती है। और सेकेंड रिएक्शन में एल माइनस, ये बहुत स्लो होती है, तो ये बाहर निकल जाता है और आपको फाइनली क्या देखने को मिलती है, एल्कीन देखने को मिलती है। बोलो यस और नो? तो ये अक्सर आपको यहां देखने को मिलता है कि एलिमिनेशन इस तरह से है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर वाली रिवर्सिबल है और ये फास्ट है और ये स्लो है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है बहुत ज्यादा, तो इस फॉर्मेट में पड़ा रहेगा बहुत देर तक। अगर इस बीच में कुछ और मैकेनिज्म हो गई, साइड मैकेनिज्म जिसे आप बोल सकते हो, साइड या अदर मैकेनिज्म, तो वो भी रोल में आ जाती है। ये एच प्लस क्या करता है, जैसे आपके पास C2H5OD है, ये एच प्लस इस ओ के ऊपर अटैक करता है, डी बाहर निकाल देता है, जिससे आपके पास ड्यूटेरियम प्लस निकल जाता है। ये ड्यूटेरियम प्लस इस जगह अटैक करके वापिस इसको इसमें कन्वर्ट करता है, यानी कि डी प्लस किस पे अटैक करेगा, बने हुए एनायन पर। वो एनायन बहुत स्टेबल है, तभी तो वो आगे नहीं जा रहा है अभी, और इस बीच में आपके पास डी प्लस और आ गया, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन किससे चेंज हो जाता है, अल्फा हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम। तो क्या ये एक ही होगा? ऐसे कर करके आगे भी बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एल्डिंग तो आपकी एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से चेंज करा के बता सकते हो, और ऐसा तभी होगा जब इवन सीबी मैकेनिज्म में। E2 में ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि E2 में आपको मैं बता रहा हूं इंटरमीडिएट होता ही नहीं है। तो जब भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कर दिया गया, तो इसका मतलब आप मान के चलो इवन सीबी रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो ये इवन सीबी रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहां देखिए, ये है MeOD, यानी MeOD है, यहां पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, ये लिविंग ग्रुप है और आपसे पूछा जा रहा है इवन सीबी के साथ क्या होगा, तो आप बहुत प्यार से इस चीज को बना सकते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ CH2 है, CH, CH3 है और यहाँ Br है। अगर इवन सीबी है तो आपके पास एल्कीन जो बनेगी वो तो ये तो बनेगी, या तो ये बना दो या इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये वाली एल्कीन भी देखने को मिलेगी, लेकिन साथ में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से अलग होता हुआ दिखाई देगा ऐसे, तो ये वाला हाइड्रोजन अलग होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा मोर स्टेबल एल्कीन ये वाली है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसका मेजर प्रोडक्ट जब भी बनाए और ये प्रूव करना चाहते हैं कि यहाँ ई वन सी बी है, तो इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से एक्सचेंज करें,
बिल्कुल करें, मजा आएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये ओ पे अटैक करेगा और ड्यूटेरियम निकलेगा। ओ डी बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू ओ एच, तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है। फटाफट एच आएगा और डी बाहर निकाल देगा। तो ये ही खास बात हमारे पास आती है कि ड्यूटेरियम वाला अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो मैं आपके साथ हूँ, इस तरह से आपके कुछ प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो बस पकड़ के चलें इसको आगे। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ ईवन, अब हम बात कर रहे हैं ईवन। ये जितनी भी ईवन रिएक्शन मैकेनिज्म है, ए वन को देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। यार ये तो, बल्कि आप देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एस एन ए आर सॉरी एस एन टी एच रिएक्शन के अंतर्गत आपने पढ़ा था एडिशन। आप तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद हाइड्रेशन भी हुआ है, तो यहां तो आपका आंसर नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं ये, बिल्कुल। क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है? हाँ, क्योंकि एल्कीन बना है। एलिमिनेशन रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड बनता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, OH अलग हुआ है, बी आ रहा है। तो आपको एलिमिनेशन में हमेशा पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये एसिड बेस है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसिड, और ये लास्ट वाला एसिड बेस। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर टू करना बहुत ईमानदारी से, क्वेश्चन नंबर टू को पढ़िए आप। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इवन रिएक्शन इज, इसके लिए इवन के लिए, इट इज टू स्टेप प्रोसेस। क्या इवन टू स्टेप या मल्टीपल स्टेप होता है? हाँ यार, कार्बोकेटायन बनता है, इंटरचेंज हो गया तो और भी ज्यादा होता है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, बिल्कुल मैं मानता हूँ। गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट। इंटरमीडिएट्स फॉर्म ड्यूरिंग इवन रिएक्शन इज, कार्बोकेटायन कार्बोनायन, क्या बनेगा इंटरमीडिएट इवन में? कार्बोकेटायन। ई टू में कौन सा इंटरमीडिएट होता है? कुछ भी नहीं भाई, ना कार्बोकेटायन ना कार्बोनायन। इवन सीबी में कार्बोनायन, इवन सीबी में कार्बोनायन बनता है, बाकी या तो कार्बोकेटायन ही देखने को मिल रहा है आपको। इधर ये आपके पास एथेनॉल है और गरम है, मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट। यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? देखो आप कि क्या हो रहा है यहां पर, देखिए। तो यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा और उसके बाद जो भी रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग हो सकती है वो देखने को मिलेगा। और आपके पास इस जगह सी 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 और ये सी एल है, तो ये सी एल निकल गया, ये कार्बोकेटायन आया। यहाँ वन टू शिफ्टिंग होगी, ये कार्बोकेटायन यहाँ जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास? यहाँ पर ये शिफ्टिंग, पहले एक एक करके बनाओ आप। यहाँ कार्बोकेटायन आया, वन टू शिफ्टिंग हो गई, इस हाइड्रोजन को वहां ले जाना पड़ेगा और यहाँ कार्बोकेटायन आएगा। फिर उसके बाद अब आपके पास एल्कीन बनेगी और वो एल्कीन बनेगी जो ज्यादा स्टेबल है, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ऐसा कुछ बनेगा और आंसर क्या जाएगा? बॉम्बे। तो इसका आंसर बॉम्बे दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल, चेक करो आप। तो ये आपके पास बॉम्बे आंसर दे जाएगा, किसका है? ये हमारा, ठीक है ना? तो ये बहुत इजी है। तो अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। अब बात करते हैं ए फाइव। ए फाइव के अंदर क्या दिख रहा है आपको? क्या ये मेजर प्रोडक्ट, इसमें क्या बनेगा? हीटिंग कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ईवन। क्या रहेगा यहाँ पर? ईवन। H2SO4 है, अब ईवन को देखेंगे, सी 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 चार कार्बन है, यहाँ पर भी CH3 है, और कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा आपके पास? यहाँ। अब वन टू शिफ्टिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, आपके पास इस जगह इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ? ये वाला आपके पास, थोड़ा सा तरीके से सोचेंगे, एक ही कार्बन पे, तो आपका आंसर क्या होगा? A5 का A, A5 का भी A है। तो ये हमारे पास, अब आगे A6 को करिए आप। A6 में H2SO4 है और आप समझ चुके होंगे कि H2SO4 यहां पर H देगा तो ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा, बोलो होगा या नहीं होगा? OH को हटाओ, कार्बोकेटायन, क्या वन टू शिफ्टिंग होगी? हाँ, ये कार्बोकेटायन यहां से उठ के यहां आ जाएगा, तो ये भी हटा दीजिए। अब क्या होगा?
अब ये कार्बोकेटायन एल्कीन बनाएगा, तो एल्कीन कौन सी बनाएगा जो मोस्ट स्टेबल है, यानी ये। तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको ए सिक्स का, जल्दी से बताएं। बी, बिल्कुल सही कहा आपने, बी आपको दिख रहा है। अब आगे बी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। एच टू एस ओ फोर है, कार्बोकेटायन बनाए आप, ये OH है, कार्बोकेटायन यहां बनाएंगे, बस बना दिया आपने। अब क्या करेंगे, यहां क्या है, सी सिक्स एच फाइव है, बोलो है ना। तो ये जो सिक्स सी सिक्स एच फाइव है, अब क्या वन टू शिफ्टिंग होगी, बिल्कुल होगी, शुरुआत में तो यही बनेगा, लेकिन अब क्यों हो रही है भाई यहां पर शिफ्टिंग, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस में आएगा OH के साथ। तो मेरे पास ये कार्बन केटायन वन टू शिफ्टिंग होके क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी सी, आपको मैं फिर बता दूं, दो सी है, पी एच पी एच, और यहां ओ एच रहेगा, और वन टू शिफ्टिंग रखने के लिए ये क्या देगा, यहां पर सी एच थ्री दे देगा, बोलो देगा या नहीं देगा, देगा ना। तो अब आपके पास उस कंडीशन में ये कार्बोकेटायन होगा, तो ये आपके पास सी एच थ्री सी डबल बोन ओ सी पी एच, दो पी एच आपको देखने को मिलेंगे, और एक आपके पास क्या दिखाई देगा, सी एच थ्री। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो इस हिसाब से ए सेवन का आंसर आपके पास क्या जा रहा है, बॉम्बे, देख लो आप, बॉम्बे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो यहां पर शिफ्टिंग क्यों हुई, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकेटायन का ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो वन टू शिफ्टिंग देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप पढ़ें जल्दी से, देखते जाएं, ए सेवन के बाद ए एट पढ़िए जल्दी से। इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर, इसके अंदर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट प्रोडक्ट, कौन सा नहीं बोल रहा। तो देखिए यहां पर प्लस है, एजी प्लस आया, एजी प्लस किसको लेगा, बीआर को लेके प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो ये पूरा गायब हुआ, यहां पर प्लस, वन टू शिफ्टिंग होगी, ये सीएचसी उस तरफ जाएगा, तो सीएचसी उधर जाएगा, कार्बोकेटायन इधर आएगा, एसीटोन बनेगा, बिल्कुल सही है, कीटोन बनेगा, मतलब एसीटोन नहीं, तो ये तो सही है, हमें सही नहीं ढूंढना, हमें क्या ढूंढना है, गलत। फिर यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, यहां का हाइड्रोजन उधर जाएगा, यहां प्लस रहेगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड आएगा, तो यहां पर भी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पर वन टू शिफ्टिंग होगी, और वन टू शिफ्टिंग में किसको जाना चाहिए था, पीएच को, ना कि सीएचसी को, इन्होंने सीएचसी को भेज दिया, पीएच की शिफ्टिंग की टेंडेंसी सीएच थ्री से काफी ज्यादा होती है, तो ये गलत है, गलत प्रोडक्ट बन रहा है, होना ये चाहिए था, यहां पीएच आना चाहिए था, और यहां पर क्या आना चाहिए था, सीएच थ्री, तो सही होता, लेकिन अभी तो फिलहाल गलत है, और गलत ही पूछा, इसलिए आंसर ये सही है। और यहाँ पर NaNO2HCl है, ये तो बिल्कुल ही अलग पॉइंट हो गया हमारे पास, अमोनिया निकाल देगा, फिर वन टू शिफ्टिंग होगी, ये बिल्कुल सही हो रहा है, यहाँ पर वन टू शिफ्टिंग में सी एस सी उधर जाएगा, और ये यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो क्या ये चीज समझ में आ गई, यहाँ पर तो बहुत आसानी से आप बोल सकते हो, यहाँ जो HCl है, एच प्लस अटैक करेगा वो इसके ऊपर करेगा, तो कार्बोकेटायन पहले यहां बनेगा, ठीक है ना, तो ये बात दिमाग में रखना, आंसर इसका क्या आएगा, सी सी। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ई टू रिएक्शन, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस, गलत है यार, वन स्टेप प्रोसेस होता है, इट इज एन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, गलत है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर, बिल्कुल ये सही है, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर, कार्बो एनायन इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, कहीं नहीं बन रहा भैया, कार्बो एनायन इवन सीबी में बनता है, यहां नहीं बनता, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी वन का सी, तो लिख लीजिए बी वन का सी। अब बात करते हैं बी टू का, देखिए इंटरमीडिएट ऑफ ई टू रिएक्शन, इंटरमीडिएट ऑफ ई टू रिएक्शन, अरे क्या यार ई टू रिएक्शन में इंटरमीडिएट कहां बनता है, कार्बोकेटायन कार्बोएनायन फिर कुछ भी नहीं मिलता, इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म, मैं भी यही बोल रहा हूं। नेक्स्ट बी थ्री, अगर एल्कोहलिक क्यूएच में एल्कीन बना रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, यहां पर ये वाला चीज निकलेगा और साइमल्टेनियसली हमारे पास एल्कीन बनती हुई दिखाई देगी, तो ये वाला बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ, तो आपको ये वाली एल्कीन दिखाई देगी, आंसर क्या जाएगा, बी थ्री का ए, जल्दी से लिखिए, बी थ्री का क्या जा रहा है, ए। बी फोर को देखिए, बी फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो ई टू रिएक्शन, भाई कौन सी ई टू रिएक्शन नहीं देगी, सोचो आप,
B2 के E2 के लिए आपके लिए क्या है फेवरेबल? भाई एक बेस आ रहा है और वो रिएक्शंस को निकाल रहा है, कार्बो एनायन कहीं नहीं बन रहा, बहुत ध्यान से सोचने की कोशिश करना। तो बताइए B4 के लिए आंसर क्या जाएगा? देखिए मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, सही है, तो अब आप ही बताइए, कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शंस, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस में लेना चाह रहा हूं, यहां हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है मेरे लिए, ये बिल्कुल सही रिएक्शन हो रही है, ये हो जाएगा, लेकिन वहां पर पूछ रहा है कैन नॉट, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको देखता हूं मैं, यहां पर ब्रोमीन है, आप खुद ही बताइए कि यहां पर ब्रोमीन है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं, तो ये हमारे पास एक ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यही हमारे लिए क्या आंसर होगा, E2 नहीं देगा। B4 का आंसर क्या रहेगा? B4 का C, बाकी सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये इस तरफ एल्कीन बना लेगा, ये इस तरफ एल्कीन बना लेगा, ये तो बहुत आसानी से बनाएगा DB, बस सिर्फ C है जो एल्कीन ही नहीं बनाएगा, क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन नो E2 मैकेनिज्म, क्या लिखा आपने? नो अल्फा हाइड्रोजन नो E2 मैकेनिज्म, ठीक है, बोलो यस, ठीक है, हाँ इवन होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इवन में कार्बो कैटायन बनता है, 1-2 शिफ्टिंग देता है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कार्बो कैटायन ना कार्बो एनायन इंटरमीडिएट होता है, तो इन चीजों को पकड़े आप। अब टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, अरे बाप रे, तो आप ही समझ सकते हैं कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, हॉफमान या सरजेफ? बिल्कुल सही कहा, हॉफमान, हॉफमान एल्कीन कहां से लेगी, यहां से बनेगी, तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट इस तरह का कहीं देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही कहा आपने, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो अब आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे, बी, वेरी गुड, ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, B6 का आंसर क्या हो रहा है, B6 का आंसर हमारा बी जा रहा है, अब B7 को करो आप, जल्दी बताइए B7 का आंसर क्या जा रहा है आपका, ए, चलो देखते हैं B7 का आंसर क्या जा रहा है, देखते हैं। देखिए हमारे पास पहले एक नॉर्मल एल्कोऑक्साइड था, अब टर्शियरी है, तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो सेटजेफ होगा, और यहां पर क्या होगा, हापमान, तो आपने यहां पर बिल्कुल सेटजेफ, और यहां पर आपने क्या बनाया, हापमान, बिल्कुल सही बोला आपने, हापमान एल्कीन बनाया, हापमान एल्कीन के लिए आपने यहां से लोगे बिल्कुल, और यहां पर यानी ये वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों में, और सेटजेप के लिए आप कहां बनाने की कोशिश करोगे, यहां, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, यानी ए आंसर आपका सही जाएगा। चलिए जल्दी से, बहुत अच्छा था, तो जब भी आपके पास इस तरह की क्वेश्चंस हो आप ध्यान रखना कि एल्कोऑक्साइड कौन सा है, 3 डिग्री है या 1 डिग्री है, 1 डिग्री है सेटजेप, और 3 डिग्री है हापमान, और 2 डिग्री है तब भी सेटजेप ही बनाएंगे आप। इधर देखिए हमसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, चलो ठीक है, पहले तो ये देखो ये कार्बो नाइट्रोजन पे प्लस है या अनस्टेबल है, ये एक ग्रुप निकालना चाहेगा और वो ग्रुप निकालेगा जो ज्यादा स्टेबल हो, तो ये कंपाउंड में नाइट्रोजन पे यहां पर क्या है, प्लस, यानी एक तरह से एनिलीनियम आयन हो गया ये, तो ठीक है हाइली अनस्टेबल है, वो सबसे स्टेबल कार्बो कैटायन निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि निकलेगा तो चारों ही कार्बन कैटायन के फॉर्म में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाला अगर बॉन्ड निकल टूटता है तो हमारे पास CH3CH2 कार्बोकैटायन बनता है, जो कि स्टेबल है ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन, इससे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसी में दिख रहे हैं क्या, किसी और में नहीं, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, अगर इसके अंदर से CH3+ निकल रहा है तो नहीं है, और अगर ये रिएक्शन कर रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं है, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये निकल गया 10। अब इसके बाद अब होगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है OH-, वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुल मिला के ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास एल्कीन जो बनेगी वो स्टेबल बनेगी, बी न कि ए, आप ए सोच रहे होंगे है ना, मैं जानता हूं क्यों, क्योंकि आपने इस कार्बोकैटायन को बनाया, भाई यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भले ही ज्यादा है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कम है, ध्यान तो देते तो आपके लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा करो, गलतियां कम रखो, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। अब बात करते हैं अपन सी सेक्शन में, C1 क्या आंसर आ रहा है C1 का, आप जल्दी बोलो, बी, बिल्कुल सही है, देख तो कराना है, देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट इन C1 CB,
कार्बोएनायन में कई बार बता चुका हूँ, कार्बोएनायन इंटरमीडिएट होता है ईवन सीबी में। डी ड्यूटेरियम एक्सचेंज ऑब्जर्विन ईवन सीबी में, यार अपन कर ही चुके हैं, ईवन सीबी में ही तो कार्बोएनायन इंटरमीडिएट बनता है, तो ईवन सीबी पहुंच सकते, तो सी आंसर सही है। अगर यहां पर आप क्यूएच ले रहे हैं, बिल्कुल एफ वीक लिविंग ग्रुप है, बिल्कुल सही है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अब आप बताइए C3 का आंसर, जल्दी से बोलिए C3 का आंसर क्या आ रहा है, बी। चलो देखते हैं, तो देखिए ये बात तो है कि आपके पास इंटरमीडिएट यहां पर बन चुका है, इवन सी भी है, फ्लोरीन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो मैं इस जगह कार्बोएनायन कहां बनाऊंगा, यहां ही बनाऊंगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में रहेगा डबल बॉन्ड के साथ। अब ये बॉन्ड इस तरफ भी शिफ्ट होगा और ये चीज एलिमिनेशन होगी, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल सही कहा, आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और ये आपका बी बिल्कुल सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर C4, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है, C4 का, C4 का ए। चलो देखते हैं, आपके पास OH है, यहां पर Cl है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? भाई मेजर प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले वही चीज है, यहां माइनस आई, माइनस चार्ज इस जगह जनरेट होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि यही माइनस चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबल है, फिर ये इस तरफ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो बनने वाली एल्कीन कौन सी रहेगी यहां पर, ए। आपने बिल्कुल सही बताया। अब लास्ट पार्ट आपका रह रहा है, थर्ड पार्ट, मैच द कॉलम, करिए मैच द कॉलम, बताइए जल्दी से, फर्स्ट इसका आंसर क्या आ रहा है, चलिए कुछ ए बोल रहे हैं कुछ बी बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं, मैच द लिस्ट दिस दिस यूजिंग गुड गिवन बिलो। तो सबसे पहले आप ये बताइए, मैं इस तरफ से जाना चाहता हूं, एस एच माइनस, एस एच माइनस, ठीक है यार एस एच माइनस, अब स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ ज्यादा नहीं है, तो एस एच माइनस आएगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, तो जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये बैक साइड से आएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है और बी आर को निकाल देगा, तो मेरे लिए तो ये SN2 रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2। एल्कोहलिक क्यों एच, एल्कोहलिक क्यों एच गर्म कर रहे हो, एलिमिनेशन, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन OH माइनस है और E2 मैकेनिज्म देगा, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। H2SO4 देखने को, और गर्म भी कर रहे हो, E1। H2O सिंपल है, H2O कोई गर्म नहीं कर रहे, आपके पास SN1 मैकेनिज्म है, तो इस हिसाब से आंसर क्या जा रहा है, बी, बिल्कुल सही जा रहा है आपका बी आंसर, मैच द कॉलम बहुत सही है इस जगह। तो देखिए आप, अगर यही हीटिंग का साइन हो जाता तो मैं इसको E1 ले लेता, लेकिन अभी तो मैं सब्सटीट्यूट करूंगा। अच्छा फाइनल प्रोडक्ट भी बताऊं मैं, अरे यार क्या परेशान कर रहे हो, चलो यहां आएगा तो इसका क्या बनाओगे, ये हाइड्रोजन ले लिया आपने, इसको सॉलिड बना लेना, सॉरी एक तरह से, हाँ यहां आपके पास ड्यूटेरियम है, तो ये जो सॉलिड है, पहले ब्रोमीन डैश पे था, तो सॉलिड पे एसएच और डैश पे हाइड्रोजन ले लेना, बस टोटल इन्वर्जन करना है। यहां तो एल्कोहलिक क्यों है, तो एल्कीन बनाना ही है आपको, तो एल्कीन कहाँ बनाओगे, इस तरफ ज्यादा स्टेबल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये वाली एल्कीन बनेगी, कोशिश करना ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल है, तो ये आपके पास बनेगी, यहां पर ये वाली एल्कीन बनेगी आपकी, दोनों ही जगह एलिमिनेशन होगा, यहां पर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, सही है ना, सीएल को हटाओ और OH को लगाओ, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक और है, जल्दी से बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा। अच्छा यहां क्या आएगा आपके पास, देखो क्यूएच है, अल्कोहल भी बना है और एल्कीन भी बनी है, तो एक जगह क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, और वो भी कौन सा होगा, OH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये SN2 और ये क्या होगा E E2, तो SN2 यानी आप देख लीजिए SN2 क्या, हाँ आ रहा है क्यू, देख लीजिए बस, यहां पर कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है, और एक्वास क्यूएच ले रहे हो, तो SN2 का मतलब क्यू एस,
तो इसका आंसर क्यू है, सही है नहीं है? कौन सा आएगा फिर आप ही बताइए, जल्दी बोलो। अच्छा देखिए, मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर यहां पर ये एल बी आर की जगह ओ एच इस तरफ आ रहा है तो इसका मतलब वन टू शिफ्टिंग हुई है ना? बिल्कुल सही है। तो जब वन टू शिफ्टिंग हुई है तो इसका मतलब इंटरमीडिएट क्या है? कार्बो केटायन, और कार्बो केटायन है तो SN1। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, SN1। तो यानी पी तो है इसका आंसर, क्या है? पी है। और अब ये बताइए, जब कार्बो केटायन इंटरमीडिएट बना है तो अब आपके पास प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? E1। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके पास यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है तो SN1 और E1 रिएक्शन होगी। तो आंसर क्या होगा? PNR। बिल्कुल सही कहा आपने, ETOD। जल्दी से बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? बी का, बी का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, बी का आंसर QS। चलो देखते हैं। देखिए ऑब्वियसली यहाँ कोई वन टू शिफ्टिंग नहीं हुई है, यानी कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, तो ये यहाँ आया, ये निकला, तो SN2 मैकेनिज्म से तो ये बना होगा और ये E2 से बना होगा, तो QS। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा C का आंसर बताइए, C का आंसर क्या जा रहा है? ओनली S। चलो देखते हैं, ETO माइनस है और आपने इसको ड्यूटेरियम से चेंज कर दिया है, करा है या नहीं करा? नहीं करा है तो इसका नहीं करा है, तो केवल E2 मैकेनिज्म आएगी, आया और निकल गया, जबकि यहाँ ड्यूटेरियम से चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? E1CV, यानी कि टी आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ एलिमिनेशन हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से E2, और ये E2 कहाँ पर है? S पे। तो ये S और T, तो ये चीजें क्लियर है, लिखें इसको।